ओके तो अब देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ लिया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग एडियाबैटिक के बारे में ही कुछ डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट अननोन पैरामीटर फॉर इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अननोन पैरामीटर से मेरा मतलब यहाँ पर है कि हमको फाइनल प्रेशर निकालना हो या फाइनल वॉल्यूम निकालना हो या फाइनल टेम्परेचर निकालना हो, चाहे एक्सपेंशन हो रहा हो चाहे कंप्रेशन हो रहा हो, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, क्या है कि हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में पहले भी कुछ रिलेशंस डिराइव किए हुए हैं, जैसे कि पी वन वी वन रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू पी टू वी टू रेस टू द पावर गामा, ठीक है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये पीवी रिलेशन था। या हमने टीवी की पावर गामा माइनस वन, दैट इज टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन, ये रिलेशन टीवी रिलेशन था। इसी तरह से हमने एक पीटी रिलेशन भी डिराइव किया था, पी की पावर वन माइनस गामा इन टू टी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो ऑल दीज रिलेशंस कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग अननोन पैरामीटर। अननोन पैरामीटर मतलब प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, जो भी है ना। ऑल दीज रिलेशंस कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग अननोन पैरामीटर ओनली इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये बात मैंने आपको उस समय भी दो तीन बार एटलीस्ट बताई थी कि ये रिलेशंस यूज कर सकते हैं अननोन पैरामीटर निकालने के लिए, लेकिन केवल और केवल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अगर जेई में क्वेश्चन आया इररिवर्सिबल एडियाबैटिक का और उसमें आपने पीवी की पावर गामा या टीवी की पावर गामा माइनस वन लगा दिया, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को ये सीखना है कि इररिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में हम लोग किस तरह से करेंगे। इस तरह से तो नहीं करेंगे, ये तो सीख ही गए है ना। तो अब किस तरह से करेंगे, तो एक छोटा सा पॉइंट हम लोग नोट डाउन करते हैं कि इररिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में टू कैलकुलेट अननोन पैरामीटर, टू कैलकुलेट अननोन पैरामीटर फॉर इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, टू कैलकुलेट अननोन पैरामीटर फॉर इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑलवेज यूज FLOT, that is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics एक energy conservation का law है, वो एक universal law है और वो हर जगह valid है, वो एक general energy conservation का statement है and that is valid everywhere. तो irreversible adiabatic के लिए कभी भी unknown parameter निकालने की अगर बात होगी तो हम लोग basic तरीके से जाएंगे, और वो basic तरीका क्या है, that we will apply first law of thermodynamics. तो किस तरह से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, हम लोग लिख देंगे बच्चों डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये है फर्स्ट लॉ की इक्वेशन। अच्छा, अब प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक है तो क्यू की वैल्यू तो जीरो हो गई, ठीक है। और आइडियल गैस के लिए पढ़ाई चल रही सारी की सारी, ऑल डिस्कशंस आर फॉर आइडियल गैस। तो डेल्टा यू की जगह पे हम लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, ये मैंने आपको सिखाया भी है कि आइडियल गैस के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस डेल्टा यू की जगह पे वी कैन सब्स्टिट्यूट एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा यू की जगह पे एन सी वी डेल्टा टी रख देंगे, और डब्ल्यू की जगह पे हम लोग रखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि इररिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वहां पे हम लोग गैस का प्रेशर तो पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि इररिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, और वो इंटीग्रल के बाहर आ जाता है, तो माइनस पी एक्सटर्नल इनटू वी टू माइनस वी वन या वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, फिर इसको हम लोग आगे अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये चीज हमारे पास बन जाएगी एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू वी फाइनल को, फाइनल वॉल्यूम को मैं लिखूंगा एन आर टी एफ बाय पी एफ, ये चीज मैं लिख सकता हूं एन आर टी बाय पी वी की जगह पे,
और V इनिशियल को मैं लिखूंगा NR। ये ध्यान रखो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है, तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर अलग अलग होगा। NR TI अपॉन PI ये मैं रख दूंगा, ठीक है। अच्छा फिर इसको फर्दर और आगे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा देखें और इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें अगर, तो एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि ये N और N और N ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा फिर CV की जगह पर हम लोग चाहें तो पुट कर सकते हैं FR by 2। CV है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइडियल गैस के लिए हमने डिराइव किया है, FR by 2 होता है। यहां पर हम लोग रख सकते हैं डेल्टा टी। और एक छोटी सी बात है, बहुत ही बेसिक बात है, अभी मैं इसका और मतलब भी समझा देता हूं कि अगर प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं गिवन होता है, कुछ अलग से नहीं गिवन होगा, तो पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल। अगर प्रॉब्लम में अलग से कुछ नहीं गिवन होगा तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। आप सोच रहे हो सर ऐसा आप किस बेसिस पे कह रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक बात है, मैं अभी एक मिनट में एग्जाम्पल लेके आपको और क्लियर करता हूं। इफ नथिंग इज गिवन देन पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल, ऐसे ज्यादातर सवालों में ऐसा ही होगा, ठीक है। इस बात का मतलब अभी मैं और एक्सप्लेन करता हूं। तो पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी फाइनल अगर कर दें तो यहां पे हम लोग पी फाइनल पुट कर सकते हैं, और ये बच्चों क्या बन जाएगा, आर टी एफ अपॉन पी एफ माइनस आर टी आई अपॉन पी आई, ठीक है। तो बस मैं उसी इक्वेशन को आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते जा रहा हूं, आपको याद नहीं करना है कोई फॉर्मूला, ठीक है। बस मैं बता रहा हूं कि किस टाइप की सिचुएशन इन जनरल आपके सामने आएगी। तो आप एक चीज और देख सकते हो, आपकी यहां से ये आर आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा और इस टाइप का एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा। डेल्टा टी की जगह आप चाहो तो फिर से इसकी जगह पे आप टी एफ माइनस टी आई सोच सकते हो, टी एफ माइनस टी आई सोच सकते हो। तो बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको जो भी अननोन पैरामीटर वगैरह निकालना है, इस तरह से आप बेसिक ये ध्यान रखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से जाओगे। पीवी की पावर गामा, टीवी की पावर गामा माइनस वन, ये सब बकवास नहीं करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की इक्वेशन लिख के एक बेसिक फंडामेंटल तरीके से आपको इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में अननोन पैरामीटर का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसी रिलेशन को चाहे तो और आगे सॉल्व कर सकते हैं, वो तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट में बता दूं, ये वाली जो बात मैंने कही अभी पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी एफ वाली, ये बहुत ही आसान बात है, कुछ नहीं है इसमें। देखो कुछ नहीं दिया रहे, अगर जैसे सपोज करो तुम कि तुम्हारे पास मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और भैया इस कंटेनर में क्या है, एक आइडियल गैस भरी हुई है, ऑब्वियसली प्रोसेस एडियाबैटिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ये इंसुलेटेड है, ऐसे ऐसे बना लो यहाँ पे, तो कंटेनर के वॉल्स इंसुलेटेड हैं और इसमें लगा हुआ है एक पिस्टन, ठीक है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है फ्रीली मूवेबल, इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा लो, ठीक है, और इसके ऊपर मान लो कि एक ब्लॉक ऑफ मास एम रखा है, ठीक है। तो अभी जो प्रेशर है, अभी जो पी इनिशियल है, दैट इज इक्वल्स टू पी एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होगा, ठीक है, तो पी एटीएम प्लस एम जी अपॉन ए है, ठीक है। ए क्या हो गया, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा बहुत ध्यान सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, तुमने सडनली इस ब्लॉक ऑफ मास एम को हटाया, तो जैसी ब्लॉक ऑफ मास एम हटा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा और ये पिस्टन ऊपर मूव करके जाएगा और फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जैसी ब्लॉक ऑफ मास एम हटा, ठीक है, जैसी ब्लॉक ऑफ मास एम हटा, तो पी एक्सटर्नल कितना है, मतलब जिस प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है वो कितने के बराबर है, वो 1 atm के बराबर है। अरे भाई आपने ब्लॉक हटाया तो एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो गया, उसी के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, और फाइनली जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो पी फाइनल जो है वो भी तो 1 atm ही है ना। जब इक्विलिब्रियम आया, ये सिस्टम रेस्ट पे आया, तो पी फाइनल भी उस समय 1 atm ही है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कुछ नहीं गिवन होता है प्रॉब्लम में तो एक्सटर्नल प्रेशर और फाइनल प्रेशर ये दोनों सेम होते हैं। भाई तुमने जब ब्लॉक हटाया तो एक्सटर्नल प्रेशर जिसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है वो 1 atm है और फाइनल प्रेशर वो भी 1 atm है। तो यही छोटी सी बात है कि इफ नथिंग इज गिवन देन पी एक्सटर्नल एंड पी फाइनल विल बी सेम, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन करिए जल्दी से और फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके सो लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करते हैं एक दो। तो क्वेश्चन लिखिए, 1 mole
of an ideal monoatomic gas at temperature T and volume 1 liter is allowed to expand against a constant P external equals to 1 atm under adiabatic conditions. Find T final of gas. ठीक है, तो अटेम्प्ट करिए इसे. तो आइए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं जरा क्वेश्चन का. तो बोला गया है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोअटोमिक गैस एट टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम 1 लीटर इज अलाउड टू एक्सपैंड अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट पी एक्सटर्नल ऑफ 1 atm अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस. ठीक है, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस. तो अब एक्सटर्नल प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्स्टेंट है, तो ये तो मैं समझ गया कि ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है. ठीक है, और अगर ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो यहां पे कुछ बच्चे जैसे कर देते हैं, सर हमको इनिशियल वॉल्यूम पता है ना, इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम वॉल्यूम एट अ टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम 1 लीटर. फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया क्या मैंने, एक मिनट. इज अलाउड टू एक्सपैंड एक चीज यहाँ मिस हो गई यार, सॉरी, है ना. यहाँ पे 1 मोल ऑफ आइडियल मोनो इज अ गैस एंड वॉल्यूम 1 लीटर इज अलाउड टू एक्सपैंड अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट पी एक्सटर्नल ऑफ 1 atm एंड टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर. वही मुझे कुछ लग रहा था मिसिंग है इसमें. एंड टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर, ये आप एड कर लो, यहाँ पे एक छोटी सी चीज मिस हो गई है. तो एंड टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन. तो अब देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर देखिए हमको क्या पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है ना. जो बच्चे सरफेस लेवल पे पढ़ाई करके खाली फॉर्मूला रट्टा मार के जाते हैं और बोलते हैं सर हमको फाइनल वॉल्यूम पता है, ठीक है, और हमको ये पता है मोनोअटोमिक गैस है, इनिशियल टेम्परेचर हमें TI दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है. तो वो करते हैं T1V1 की पावर γ-1 = T2V2 की पावर γ-1, ये रिलेशन लगा देते हैं. अब ये सब बकवास अगर आपने इस क्वेश्चन में कर दी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सवाल. ये सब काम नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि जो एक्सपेंशन हो रहा है वो अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm हो रहा है. और रिवर्सिबल प्रोसेस में तो हर मोमेंट पे प्रेशर चेंज होता है, हर बालू के पार्टिकल के साथ प्रेशर चेंज होता है, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो नहीं सकता क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm. भाई 1 atm कांस्टेंट कैसे रहा होगा, एक ब्लॉक रहा होगा तुमने हटाया और फिर 1 atm. तो दिस इज अ सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो यहां पे आप ये सब रिलेशन नहीं चलेगा, ये लगाओगे तो एक ऑप्शन दिया गया होगा जिससे तुम्हारा आंसर उस समय तो आ जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये रिलेशन यहां पर इसलिए नहीं चलेगा. T1V1 की पावर γ-1 हमको नहीं लगाना है क्योंकि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है. तो अब हमको यहां करना क्या है, हमको करना है बेसिक फर्स्ट लॉ से काम करना है. ठीक है, सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू. ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू. एक मिनट रुकना. हाँ, तो हमने यहां पर लगाया डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू और प्रोसेस एडियाबैटिक है, प्रोसेस एडियाबैटिक है तो Q की वैल्यू हमने कर दी 0 के बराबर और डेल्टा U को हमने लिखा NCV और डेल्टा T, तो T फाइनल माइनस T इनिशियल जो कि T के बराबर है.
एन सी वी डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल टी दिया हुआ है इज इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे तो इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। ठीक है, तो माइनस पी एक्सटर्नल कितने के बराबर है, वन के बराबर, और V2 कितने के बराबर है, दो के बराबर, V1 कितने के बराबर है, वन के बराबर। ठीक है, तो ये चीज बन गई। अच्छा, फिर इसके बाद जरा क्वेश्चन पे एक बार फिर से जाओ ऊपर, तो ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, तुम्हें वन मोल दिया हुआ है और मोनो एटॉमिक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो N की जगह आप पुट कर सकते हो क्या, वन, N की जगह वन पुट कर सकते हो, और CV की जगह पे आप पुट कर सकते हो 3R/2। तो N की जगह 1 आया, CV की जगह 3R/2 आया, इंटू टी एफ माइनस टी इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा क्या, माइनस वन। ठीक है, तो यहां से और अगर सॉल्व किया जाए तो टी एफ माइनस टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू अपॉन 3R। ठीक है, और यहां से टी एफ की वैल्यू हमारे पास आएगी, टी एफ की वैल्यू आएगी टी माइनस 2/3R। तो ये क्वेश्चन था जो जेई में एक्चुअली में आया था, और ऑप्शंस दिए हुए थे वहां पे, तो ऑप्शन पढ़ के आइडिया लग जाता है कि इस तरह से आंसर देना है, है ना। नहीं तो हो सकता है तुम्हें लगे अरे सर ये आंसर थोड़ी ना आया, लेकिन ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए हुए थे, तो क्वेश्चन में ऑप्शंस थे तो उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से हमने टीएफ की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करी। ओके, सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, अ नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 atm प्रेशर इज सडनली रिलीज्ड, इज सडनली रिलीज्ड टू 1 atm प्रेशर एंड एक्सपैंड्स adiabatically, find first part TF of gas, इस बार आपको numerical value निकालनी है। ठीक है, find TF, क्योंकि आपको initial temperature ध्यान से देखिए दिया हुआ है, तो find TF of gas पहला part है, और दूसरा part है If initial volume is 10 liter, also find V final of gas. ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, इसको अटेम्प्ट करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसे। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो बोला गया है एक नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस है 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 2 atm के प्रेशर पर। ठीक है, मतलब आप इस तरह से पिक्चर बनाओ कि आपके पास कोई एक कंटेनर होगा। ठीक है, तो ये सपोज करो आप कंटेनर हो गया बच्चों। ठीक है, सो दिस इज द कंटेनर, और इस कंटेनर में एक फ्रीली मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, और बाहर से आपने ऑब्वियसली कुछ ब्लॉक वॉक रख के प्रेशर बढ़ाया होगा, क्योंकि इनिशियली प्रेशर कितना है, इनिशियली जो प्रेशर है वो 2 atm के बराबर है। तो मान लो 1 atm एटमॉस्फेयर का लग रहा है और 1 atm इस ब्लॉक का लग रहा है। ठीक है, तो 2 atm का प्रेशर है, और टेम्परेचर जो इसका है वो मैंने आपको दिया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब इनिशियल टेम्परेचर इज व्हाट, 400 केल्विन। तो ये हो गई आपकी क्या, इनिशियल कंडीशंस, दीज आर योर इनिशियल कंडीशंस। अच्छा, फिर बोल रहा है कि आपने, और एडियाबैटिक तो है ही ना, तो इंसुलेटेड वॉल्स हैं, इस तरह से सोच लीजिए आप। अब बोल रहा है आपने सडनली इसको रिलीज कर दिया 1 atm में, तो सडनली रिलीज किया 1 atm मतलब तुमने ब्लॉक हटा लिया एकदम से, है ना। मान लो पहले प्रेशर 2 atm, सडनली तुमने बाहर का प्रेशर 1 atm कर दिया,
तो एकदम से अगर बाहर का प्रेशर 1 एटीएम कर दोगे तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, ये गैस एक्सपैंड करेगी, पिस्टन को धक्का मार के ऊपर ले जाएगी और फाइनली जब इसका प्रेशर 1 एटीएम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो रहा है, जैसे तुमने ब्लॉक हटाया बाहर का प्रेशर 1 एटीएम हो गया तो गैस ने धक्का मार के ऊपर पिस्टन को एक्सपैंड कराया तो फाइनली यहां पे आ गई। लेकिन हमको ये बात पता है कि ये प्रोसेस में कूलिंग हो जाएगा क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होता है, तो कूलिंग अगर होगा तो फाइनल आंसर जो है वो तो 400 केल्विन से कम ही आएगा। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर 400 था तो फाइनल 400 से कम आना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 400 से कम हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो हम उसी को टिक मार दें तुरंत, है ना, बट आईटी के एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर चांसेस हैं कि ऐसा हो जाए। ठीक है, नीट के एग्जाम में ऐसा जरूर हो सकता है। तो 400 केल्विन जो है वो प्रेशर इक्वल्स टू 1 एटीएम हमने किया और फाइनली हमको टीएफ इसका निकालना है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये तो हम समझ ही गए हैं। तो आइए अब हम लोग फर्स्ट लॉ से करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट लॉ से सॉल्व करेंगे तो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू, तो जीरो हो गया तो लिख देते हैं एक बार क्यू प्लस डब्ल्यू, चलो तो क्यू जीरो हो गया। अच्छा, फिर डेल्टा यू की जगह हमने लिखा एन इंटू सी वी, सी वी की जगह नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 6 होता है, तो ये हो गया 6R/2। ठीक है, 6R/2 एन सी वी इंटू क्या किया बच्चों, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हो गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जो कि 400 के बराबर है। ठीक है, डेल्टा यू को मैंने एन सी वी, सी वी एफ आर बाय टू है, नॉन लीनियर क्वेश्चन में बोला गया है पॉली एटॉमिक, तो नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 6 मानेंगे, तो ये चीज बन गई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के लिए क्या करेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना। जब कुछ नहीं बोला गया तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पी फाइनल, और थोड़ा सा विजुलाइज भी करो, सडनली रिलीज टू 1 एटीएम, तो सडनली रिलीज टू 1 एटीएम तो बाहर का प्रेशर एकदम से 1 एटीएम हो गया ना। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल इज 1 इनटू क्या करना है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, वी फाइनल की वैल्यू हम लिखेंगे एन आर टी फाइनल अपॉन पी फाइनल माइनस वी इनिशियल एन आर टी इनिशियल विच हैपेंस टू बी 400 अपॉन पी इनिशियल एन आर टी आई बाय पी आई जो कि 2 के बराबर है। ये बनी हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में ध्यान से एनालिसिस किया जाए तो एन और आर, एन और आर, एन और आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह से करना है, बेसिक तरीके से ये बात ध्यान रखो। तो बस अब सॉल्व कर दो, 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार बन जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 टाइम्स ऑफ टीएफ माइनस 1200 इज इक्वल्स टू, 3 टाइम्स ऑफ टीएफ माइनस 1200 इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा भाई, दिस विल बी माइनस ऑफ टीएफ, माइनस ऑफ टीएफ प्लस 200, ऐसा रिलेशन आ रहा है। सो दिस गिव्स मी 4 टीएफ इज इक्वल्स टू 1200 प्लस 200 तो 1400 हो गया। इसका मतलब टीएफ की वैल्यू 1400 बाय 4 करूंगा 350 केल्विन आ जाएगी। तो इस तरह से हमने बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन फर्स्ट लॉ की यूज करके फाइनल टेम्परेचर हमने इस तरह से निकाला। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करिए और सेकेंड पार्ट अटेम्प्ट करिए। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में एक चीज हम लोग अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कांस्टेंट है और आइडियल गैस है, और आइडियल गैस के लिए जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है तो गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ा है कि हम लोग पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, ये रिलेशन तो हमेशा ही लगा सकते हैं, एन कॉन्स्टेंट है तो। और आप ध्यान से देखिए, हमको पी वन पता है, पी टू पता है,
V1 दे दिया गया है और T1 और T2 पता है, तो बहुत आराम से यहां से हम लोग V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P1 की जगह पे हम पुट करेंगे 2, ठीक है। V1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी, 10 दी हुई थी। T1 की जगह हम रख देंगे 400 केल्विन। P2 1 है, V2 बच्चों हमको निकालना है, एंड T2 की वैल्यू हमने निकाली 350 केल्विन। तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा काम खत्म। तो ये 0 और 0 इसका कट गया, और 2 से ये कट गया कितनी बार, ये कट गया 20 टाइम्स, ठीक है। और एक 0 और 0 यहां से भी कट गया, तो यहां से V2 की वैल्यू 35/2 दैट इज 17.5 लीटर के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर फॉर V2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी बेसिक गैसियस स्टेट वाले आइडियल गैस के लॉज हैं, वो सब हमको जरूरत पड़ने पर यूज कर लेना चाहिए, मतलब करना पड़ेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Having CV is equals to 5R/2 at 300 Kelvin and 5 atm pressure is expanded adiabatically to a final pressure। ये सब क्वेश्चन जेई में कभी ना कभी आए हुए हैं। टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 2 atm अगेंस्ट कॉन्स्टेंट पी एक्सटर्नल ऑफ 2 atm। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में अननोन पैरामीटर, फाइंड TF ऑफ गैस, ठीक है। तो अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। तो बोला गया है इसमें दैट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हैविंग CV इज इक्वल्स टू 5R/2 एट 300 केल्विन एंड 5 atm इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 2 atm अगेंस्ट कांस्टेंट P एक्सटर्नल ऑफ 2 atm। हमको फाइनल टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो फिर से ये तो समझ ही गए, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, तो प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हम लोग बेसिक फर्स्ट लॉ यूज करेंगे क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमने लिख दिया डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू तो जीरो हो गया। डेल्टा यू की जगह पे लिखा एन इंटू सीवी, है ना। सीवी कितना दिया है हमें, सीवी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5R/2 दिया ही हुआ है, तो 5R/2 रखा इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को रख दिया बच्चों टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जो कि 300 के बराबर है, इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल 2 के बराबर है इनटू वी फाइनल। वी फाइनल को लिखा एन आर टी फाइनल बाय पी फाइनल, पी फाइनल कितना है 2, माइनस टी इनिशियल कितना है 300 अपॉन पी इनिशियल, जो कि कितने के बराबर है 5 के बराबर है, ठीक है। तो बस अब इसको हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, एन और आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आंसर अभी आने वाला है, उससे अगर आपने सॉल्व किया हो तो मैच करा लीजिएगा उससे, ठीक है। तो NR ये कैंसिल आउट हो गया, और यहां से हमारे पास आ जाएगा, देखो जल्दी से क्या आएगा भाई, है ना, ये बन जाएगा 5TF अपॉन 2 माइनस 2 से कटेगा 150,
और 150 इंटू 5 हो जाएगा 750, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस टी एफ प्लस 5 से ये कटेगा 60, और 60 इंटू 2 हो जाएगा कितना 120, है ना, तो ऐसा कुछ आ रहा है 560 इंटू 2, हाँ ठीक है, ठीक लग रहा है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो प्लस टी एफ उधर जा करके ये हो जाएगा 7TF बाय 2, और ये हो जाएगा 750, 750 प्लस 120 तो ये हो जाएगा 870, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये हमारे पास आया टी एफ का वैल्यू कितना है भाई, 817 टू 2 करेंगे 0, फिर 4 और 1740 बाय 7, हाँ 1740 बाय 7 केल्विन, जिसको थोड़ा सा और सॉल्व करो अगर तो 7 2 14 और 34 तो 4 28, ठीक है 34 और 4 60 आया इधर तो 7 8 56, हाँ 7 8 56 और फिर उसके बाद 448.5 केल्विन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 0.1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली एंड परफॉर्म्स 75 कैलोरी ऑफ वर्क, फाइंड टी फाइनल, ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो देखिए यहां बोला गया है 0.1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक बोला गया है, आइडियल बोला गया है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, और बोला उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ बस, अब रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है कुछ नहीं दिया है, ठीक है तो मुझे चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं दिया है तो मैं सीधे सीधे अपना भाई बेसिक फर्स्ट लॉ तो हर प्रोसेस फॉलो करेगा, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, FLOT इज ऑलवेज एप्लीकेबल, तो मैं फिर से अपना काम चालू कर दिया वहीं से, है ना, कि चलो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। तो मैंने लिखा क्या, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है एडियाबैटिक प्रोसेस था, क्यू का वैल्यू जीरो कर दिया, डेल्टा यू की जगह मैंने लिख दिया एन इंटू सी वी, मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक का सी वी हो जाएगा 3R/2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी हो गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जो कि 500 के बराबर है, ये मैंने लिखा। और भैया डब्ल्यू का वैल्यू तो मुझे सीधे सीधे क्वेश्चन में दे ही दिया गया है 75 के बराबर है, तो मैं डब्ल्यू की जगह पुट करूंगा माइनस 75, दिस इज इंपॉर्टेंट, 75 मैग्नीट्यूड दिया है लेकिन इक्वेशन में तो साइन के साथ यूज करना पड़ेगा ना, एक्सपेंशन हो रहा है, तो बस हो गया क्वेश्चन, ये खत्म हो गया, अब इसमें सॉल्व करो यहां से आ जाएगा टी एफ का वैल्यू। अब ये कैसा भी हो, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, ये तो हमेशा ही वैलिड है ना, ये रिलेशन डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज द बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो बस आप इसको सॉल्व करिए, आर की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.3, ठीक है इंटू टी एफ माइनस 500 इज इक्वल्स टू माइनस 75, ठीक है बच्चों। तो इसको आगे सॉल्व किया जाए तो यहां से आ गया टी एफ माइनस 500 इज इक्वल्स टू माइनस 250, है ना 0.3 नीचे ले जाके सॉल्व करो माइनस 250 आ जाएगा, तो यहां से टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 500 माइनस 250 विच इज 250 केल्विन, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है क्लियर है बात ये।
यहां से हम लोग देखें तो ये तो आंसर हो गया। अच्छा, अब हम लोग अगर ये बात गौर करें, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, फाइनल पॉइंट रिलेटेड टू इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, जो शायद आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपके मन में कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन मैं अभी दूर किए देता हूं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, एक छोटा सा एक कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान से सुनो बात को। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू करूंगा और क्यू की वैल्यू जीरो कर दूंगा, ठीक है। यहां से मेरे पास आ जाएगा कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, या ऐसे बोल दूं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। सारी पढ़ाई हम लोग आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा यू की वैल्यू मैं लिख सकता हूं एन सी वी इंटू डेल्टा टी, और सी वी की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं एन इंटू एफ आर बाय टू इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, एफ आर बाय टू पुट कर दिया। अच्छा, अब क्या है कि एक छोटा सा काम करना है हमें। जैसे हम लोगों ने देखा था कि इस f को गामा के टर्म्स में हमें लिखना है, तो f को गामा के टर्म्स में हम लोग कैसे लिखें बच्चों? गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाय f, मैंने तुम्हें बताया हुआ है पहले से, बहुत सिंपल बात है ना। गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाय f मैंने बताया हुआ है। तो यहां से तुम अगर देखो तो गामा माइनस 1 ये 2 बाय f के बराबर आ जाएगा, और f का वैल्यू यहां से 2 अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। f का वैल्यू 2 अपॉन गामा माइनस 1। सो अब हम लोग क्या करें कि इस f की जगह पर 2 अपॉन f की जगह पर 2 अपॉन गामा माइनस 1 पुट करें, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से वर्ग का एक फॉर्मूला आएगा एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है। अब ये जो वर्ग का फॉर्मूला आया, ये तो एक यूनिवर्सल फर्स्ट लॉ से निकाला हुआ फॉर्मूला है, और ये वर्ग का फॉर्मूला इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो या रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, सबके लिए वैलिड है। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अभी पिछली क्लास में मैंने स्टार्टिंग में रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, बहुत केयरफुली सब लोग बात को सुने, पिछली क्लास के स्टार्टिंग में मैंने रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए पीवी की पावर गामा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, फिर से सुनो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू के वाला रिलेशन यूज करके और इंटीग्रेट करके डब्ल्यू का फॉर्मूला निकाला था, तो वो एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 आया था, ठीक है। आज मैंने वही सेम चीज एक बेसिक फर्स्ट लॉ से करी, जैसे कि इरिवर्सिबल के लिए करते हो। इरिवर्सिबल के लिए सारी बातें आप फर्स्ट लॉ से ही तो करते हो। तो मैंने यहां क्या किया, कुछ नहीं किया, कोई रिलेशन यूज नहीं किया, क्यू को जीरो कर दिया, क्यू को जीरो किया तो डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू आ गया, ठीक है। डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू आया, डेल्टा यू को एन सी वी डेल्टा टी लिख दिया, ये हमेशा वैलिड है, सी वी की वैल्यू हमेशा वैलिड है, और बस उसके बाद एफ को गामा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया, तो ये चीज मेरे पास, तो एक मिनट, तो ये चीज मेरे पास आ गई एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। तो आप बोलोगे सर ये तो सेम फॉर्मूला आ रहा है रिवर्सिबल का भी, इरिवर्सिबल का भी, एडियाबैटिक के केस में। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में वर्क डन सेम होगा? नहीं बच्चों, फॉर्मूला तुम्हें देखने में सेम लग रहा है, देखने में महसूस हो रहा है सेम है, लेकिन उससे W की वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्योंकि हमने एडियाबैटिक का एनालिसिस बहुत डिटेल में किया है और हमें यह बात पता है कि हर टाइप के एडियाबैटिक के लिए जो डेल्टा टी है वो अलग अलग होता है ना भाई। जो एक्सपेंशन जैसे आप करा रहे हो तो सिंगल स्टेज, टू स्टेज, थ्री स्टेज, इनफाइनाइट स्टेज, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे वर्क डन बढ़ता जा रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ कूलिंग बढ़ता जा रहा है। तो ये फॉर्मूला हमें देखने में सेम महसूस हो रहा है, बस सेम है नहीं, डब्ल्यू की वैल्यू सेम कभी नहीं आएगी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए।
और ये तो बेसिक नेचर ऑफ वर्क है, क्योंकि वो कैसा वर्क कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए डब्ल्यू की वैल्यू सेम आ ही नहीं सकती है। हमको बस और बस ये फॉर्मूला देखने में सेम लग रहा है, लेकिन वैल्यू कभी सेम नहीं आएगी, बिकॉज ईच टाइप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, तो ये एक लास्ट पॉइंट था जो हम लोगों को समझना था।